स्टूडेंट्स, ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की लास्ट एग्जांपल थी, तो आज के जो है लेक्चर के लिए, ब्रीफिंग के लिए जो है आपका जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही था। इससे रिलेटेड जो वर्क है वो देखने आइए। अब आप रजिस्टर पे जो वर्क करना है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो हेड डालनी है, उसके बाद आपको लिखना कहाँ से देख लीजिए, दिस टिश्यू विच से लिखना है अदर तक, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल आएंगी, फर्स्ट कार्टिलेज है, इसको आपने यहाँ से लिखना है इट इज़ अ डेंस से लेके मैट्रिक्स तक। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आप बोन्स की हेड डालेंगे, बोन की हेड डालने के बाद इसको आपने कहाँ तक लिखना है ये देख लें, अनदर से लेकर आपको लिखना है, ये पूरा लिखना है ऑस्टियोसाइट सेल्स तक, बोन्स इज अनदर से लेके ऑस्टियोसाइट सेल्स तक। उसके बाद है एडिपोज, ये नीचे हेडिंग आएगी, इसको भी आपको कंप्लीट लिखना है, इज अनदर टाइप से लेकर एनर्जी एंड फैट्स तक। देन उसके बाद लास्ट है ब्लड, इसको भी आपको कंप्लीट लिखना है रेफर्ड से लेकर टिश्यू तक। तो ये फोर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। पहले आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखेंगे, फिर इनकी फोर टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। तो आज के वर्क के लिए, आप रजिस्टर वर्क के लिए यही काम था। इसकी जो ब्रीफिंग मैंने दी है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको अच्छी तरीके से जो है समझिएगा, देखिएगा लेक्चर को, और वर्क को जो इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैंने करवाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, साथ साथ जो है आप लोग वर्क याद करते जाएं, क्योंकि जब आप वेकेशन के बाद स्कूल आएंगे तो कुछ ही डेज़ में आप लोगों के, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, कुछ ही डेज़ के बाद आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, थर्ड टर्म एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, रजिस्टर में जितना भी वर्क करवाया जा रहा है वो साथ साथ याद करते जाएँ, टॉपिक वाइज, यानी जो वीडियो आपके पास जा रही है उसका काम करें और उसको साथ साथ याद कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।